हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार से फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन सेंटर में। आज हम बात करेंगे असम राइफल, जिसके अंतर्गत वैकेंसी निकली हुई है जेडी के, कैसे इसको फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका ये मेन साइट है। जैसे ही आप इस साइट को खोलेंगे, आपको यही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्राइटेरिया, आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा असम राइफल, ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट पर्सन है, इसके बाद जेंडर चूज करेंगे, मेल या फीमेल है। स्टेट चूज करेंगे, किस स्टेट से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। इसके बाद जो ट्रेड चूज कर लेंगे, आप देख पा राइफल में जीडी जनरल ड्यूटी के लिए है। आप यहाँ पर अपना कैटेगरी चूज करेंगे, जनरल है, एसटी है, एससी है, जो भी आपका कैटेगरी यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एससी है तो एसटी चूज करिएगा, ओबीसी है तो ओबीसी चूज करिएगा, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ से जो कि क्वालिफिकेशन दिखाई देगा, आप पर 10th पास होना चाहिए। इसे आई एग्री पर क्लिक करेंगे या तो ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर टाइटल देख सकते हैं, मिस्टर। आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट नेम यहाँ से देंगे, मिडिल नेम यहाँ से देंगे, लास्ट नेम यहाँ से देंगे, फादर का नाम यहाँ से फिल करेंगे, मदर का नाम यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से देंगे, इसके बाद रिलीजन देंगे, कौन सा बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, जो भी आप जिस भी धर्म से होंगे चूज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ से फिल करेंगे, ईमेल आईडी आप यहाँ से देंगे अपना, सेलेक्ट कम्युनिटी, जो भी आप अगर कम्युनिटी से आते हैं, जैसे कुमायूं रेजिमेंट हो गया, मराठा रेजिमेंट हो गया, लेक हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है। जो भी अगर आसाम से, हिमाचल से, जो भी अगर आप आते हैं, जैसे दार्जिलिंग से, जिस भी आप अगर कम्युनिटी से आते हैं तो अगर चूज करना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ से देंगे, जो भी आपका एड्रेस हो, विलेज पोस्ट जो भी हो आपको यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर बलिया टाइप करता हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे हैं जो लिस्ट आ गया, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ से जो कि आपको स्टेट चूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से स्टेट खुद ब खुद दे देगा। इसके बाद पिन कोड आपको यहाँ से फिल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर देना चाहते हैं, इसको यहाँ से रिकआउट करेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ से परमानेंट एड्रेस फिल कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसी पर जैसे बलिया टाइप करेंगे आपका आ जाएगा, इसके बाद जो कि स्टेट खुद ब खुद आ जाएगा। इसके बाद पिन कोड यहाँ से देंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं कि आपका कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट, वो उपजाति आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। जैसे यादव लोग का अहिर होता है, उसी तरह जो है आपका उपजाति क्या है वहाँ पर देंगे। इसके बाद यहाँ से जो कि डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, आपका जाति प्रमाण पत्र यानी 50 से 80 KB का आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आप जो कि स्पोर्ट एक पर्सन होना चाहिए, यानी एक खिलाड़ी होनी चाहिए आप, ठीक है। तो कौन सा स्पोर्ट लेवल है आपका, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है या नेशनल कॉम्पिटिशन है या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है, जो भी आपका है यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपने गेम कौन सा खेला, जैसे बैडमिंटन हो गया, एथलीट 400 मीटर है, फुटबॉल है, ठीक है, एथलीट 800 मीटर है, 200 मीटर या 100 मीटर, जो भी आप हैं यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट को यहाँ से अपलोड करेंगे, जो भी आपका जो कि स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होगा। इसके बाद जो कि मेडल टाइप आपके, आप यहाँ पर अपना मेडल टाइप करेंगे, मेडल जो कि आप गोल्डन है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है या नॉन है, जो भी आपका यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो कि गेम में आपका पोजीशन कौन सा रहा है, जो वो यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद स्पोर्ट प्लेस आपका, जैसे स्पोर्ट प्लेस है ना, स्थान का नाम देंगे यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर डेट देंगे, ठीक है। इसके बाद हाई स्कूल यहाँ से चूज करेंगे, जो भी आपका हाई स्कूल, अगर आपका जो कि CGPA में है तो इसको यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको यहाँ से रहने देंगे। इसके बाद हाई स्कूल का डिटेल आप देंगे, जो भी आपका यूनिवर्सिटी या बोर्ड है यहाँ से चूज कर सकते हैं। पासिंग ईयर देंगे, टोटल मार्क देंगे, मार्क ऑब्टेंड देंगे कितना आपका है, जो परसेंटेज खुद ब खुद निकल जाएगा। ये तो यह फॉर्म जो कि हाई स्कूल के बेसिस पे है, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट देना चाहते हैं तो यहाँ से 12th को सेलेक्ट करिएगा। अगर डिप्लोमा देना चाहते हैं तो डिप्लोमा चूज करिएगा, ठीक है। इसके बाद जो कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ से चूज करेंगे। उसी प्रकार जो कि पासिंग ईयर देंगे, टोटल मार्क देंगे, टेंट मार्क देंगे, इसका परसेंटेज खुद ब खुद निकल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो डिटेल आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ से दे सकते हैं, उसका नाम यहाँ से फिल करेंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से फिल करेंगे, पासिंग ईयर देंगे, टोटल मार्क देंगे, मार्क ग्रेड पॉइंट दे देंगे, इसके बाद ये कि परसेंटेज खुद ब खुद निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो डिटेल्स ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो दे सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से ऑप्शन दिखाई देता है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अपलोडिंग आपका ऑनलाइन, जो कि आर यू एग्री टू अपलोड रिजल्ट ऑनलाइन, इसको यहाँ से चेकआउट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो कि यहाँ से फोटोग्राफ आपका जो होना चाहिए वो 30 से 50 KB का होना चाहिए। हाई स्कूल जो भी प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे वो भी 30 से 50 KB का होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, जैसे डोमिसाइल हो गया, या जो कि निवास प्रमाण पत्र हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं इसको यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद जो कि अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे तो वो भी 50 से 80 KB का होना चाहिए। उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल्स इफ एनी, अगर आपके पास कोई क्रिमिनल से संबंधित कोई आपका दस्तावेज है, अगर मुकदमा चल रहा है, कोई FIR है, तो वो यहाँ से चूज कर सकते हैं।
वरना इसको जो है कि प्लेस का नाम देंगे, किस स्थान से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, कैप्चर कोड को फिल करेंगे, इसके बाद जो कि सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं जो भी आपने डिटेल फिल किया था वो आपके सामने आ जाएगा। अगर कुछ एडिट करना हुआ, कुछ गलत हो गया तो रिव्यू एंड एडिट पर जाके एडिट कर सकते हैं, वरना फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस देख रहे हैं, एक्सेप्ट हो चुका है, आपको आईडी नंबर मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद जो कि प्रिंट एक्नॉलेजमेंट करके यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर फाइनल प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप यहाँ से फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और यहाँ वरना क्लोज दिस विंडो कर सकते हैं। हम फाइनल प्रिंट आउट निकालना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करें कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने ओपन हो जाए। फाइनल प्रिंट आउट है, आप इसी को जो है कि निकाल के अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां से इसको प्रिंट आउट कर लेंगे कंट्रोल पी करके। तो आपने देखा किस तरह से हमने असम राइफल का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया, वो भी बिना किसी गलती के, स्टेप बाई स्टेप सारा प्रोसेस वीडियो में कवर किया है। तो आशा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद दोस्तों।